हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप आपका ड्रीम इलेवन आजकल अच्छा ही जा रहा होगा और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पे जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जो कि है पांडियन रॉकिंग टीम के नाम से। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर देना, जिससे हमें काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है। बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे हमें सर्च कर सकते हैं आरुषि 1 2 3 4 5, और आप हमें मैसेज करिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमें मैसेज करके लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप जुड़ सकते हैं उस लिंक के द्वारा। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे नाइट अगले T10 मैच के बारे में। आपने देखा ही होगा हमारी T10 की टीम काफ़ी शानदार जाती है और काफ़ी अच्छी हिट विनिंग होती है इसमें। ये एक मैच कुछ ज़्यादा ठीक नहीं गया, उससे पहले का मैच काफ़ी अच्छा गया हमारा, और उससे पहले वाला भी सही गया हमारा, काफ़ी अच्छी विनिंग है। आइए तो हम कवर करते हैं अपना नेक्स्ट पैनकोड ECS T10 स्वीडन में हो रहा है, जो DIF के वर्सेस STO के बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और वीडियो बैक टू बैक जानने के लिए। देखिए T10 में स्ट्रेटजी काम करती है और मैं स्ट्रेटजी बेस पे ही टीम बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पता है कि तिवारी ने अच्छा प्रदर्शन करा है तो नेक्स्ट में वो फ्लॉप भी हो सकता है बिल्कुल 0 पॉइंट से। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है 2 विकेटकीपर की, जो कि एक हैं W वॉसअप जो अपनी टीम के कप्तान हैं, और जो ए तिवारी हैं वो विकेट कीपिंग है, जो STO की तरफ से विकेट कीपिंग करेंगे। पिछले 2 मैचेस में इनने एक बार 125 दिए और एक बार 53 दिए हैं, और W वॉसअप का रिकॉर्ड थोड़ा ठीक नहीं था बीच के एक मैच में, बाकी इनका एवरेज 80+ रहता है। तो यहाँ से अभी हम फिलहाल दोनों विकेट कीपर को लेते हुए चलते हैं, और हमारी बैटिंग सेक्शन में हमारे जो रहेंगे, अब मैं बताता हूँ यहाँ से जो ए वदिया हैं काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और इनका भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। पिछले 2 मैचेस में, लास्ट के मैच में इनने 96 पॉइंट दिए हैं, उससे पहले इन्होंने 28 पॉइंट दिए, कुछ खास नहीं था। बाकी इनका एवरेज रहता है 60+, तो हम इनको SL टीम में तो ड्रॉप नहीं कर सकते। हम एटलीस्ट मोस्टली ओपोनेंट आपके इनको लेकर ही आएंगे। और बाकी यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ पे हैं ए बुखारी भी काफ़ी अच्छे हैं, पर लास्ट 3 मैचेस में बिल्कुल ही फ्लॉप रहे हैं, तो हम इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। पर आप ग्रैंड लीग में इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बिग प्लेयर को ड्रॉप करके इनको ज़रूर लीजिएगा, और एज अ वाइस कैप्टनसी नहीं, एज ए नॉर्मल प्लेयर लीजिएगा। अब यहाँ से हम लेते हैं बीच चंडीराव, जिनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मतलब ये एक मैच में फ्लॉप रहते हैं, एक मैच में अच्छा करते हैं, एक मैच में फ्लॉप रहते हैं, ऐसा है। तो थर्ड प्लेयर हमारे रहेंगे IS यादवपली, पिछले कुछ मैचेस खेले नहीं है, लास्ट में एक मैच खेले थे, उसके बाद आज आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। अगर ये नहीं खेलते हैं तो आप यहाँ से IS यादवपली हम अभी फ़िलहाल ड्रॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, जो डी चंडल, इनका लास्ट मैच भी काफ़ी अच्छा गया, तो हम इनके साथ जाना चाहेंगे। बाकी आप ग्रैंड लीग में ये बुखारी और IS यादवपली को ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से अब हम चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास हैं IS चौधरी, जो बैटिंग प्लस बॉलिंग करते नज़र आएंगे, 2 ओवर बॉलिंग करते हैं प्लस बैटिंग भी करते हैं अपनी टीम से। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे हैं आर किंग्सली, इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन। अभी तक तो इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, पर अब ये अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे ए दुबे, जिनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, इन्होंने एक मैच में 3 विकेट लिए थे और प्लस बॉलिंग से 174 पॉइंट कुछ दिए थे, इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। पिछले मैच में देखिए, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा है, विकेट प्लस बॉलिंग करते हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग। और यहाँ से हम लेंगे SRC को, बाकी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं IS पटेल, जो आपको खेलते नज़र आएंगे। यहाँ से अब हम आगे चलते हैं तो बॉलिंग सेक्शन में पी शुक्ला, जो कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं तो हम आगे लेते हैं एस को एन, जिन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले हैं। और यहाँ से हम जाएंगे एम तोमर के साथ। देखिए क्या होता है, T10 में जो हिटिंग करता है वो नेक्स्ट मैच में फ्लॉप जाता है, तो आप किसी भी बिग प्लेयर को ड्रॉप करके एक ऐसे प्लेयर को ले सकते हैं जो इसके चलने के चांसेस हैं, जैसे आर किंग्सली। यहाँ से आप एस क्वाइन, एस कनन और एस क्वाइन, ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप किसके साथ जाते हैं। मैं डी सिंह के साथ जाना चाहूँगा। अब मैं यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि एस कनन के साथ जाऊँ या एस क्वाइन के साथ जाऊँ, तो मैं यहाँ से एस कनन के साथ जाना चाहूँगा। बाकी आप ग्रैंड लीग में एस क्वाइन के साथ या SL में आप एस क्वाइन के साथ जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए ए पोसम, ए तिवारी, और बैटिंग सेक्शन में तो काफ़ी अच्छी आप मुझे चॉइस लग नहीं रही है। बाकी यहाँ पे ए दुबे, एस चौधरी, एस चौधरी हमारे SL के कैप्टन रहेंगे, और यहाँ से पी शुक्ला ले सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनशिप में। अब हमारे कैप्टन एस चौधरी रहेंगे, वाइस कैप्टन हमारे आप बोसोप को ले सकते हैं जो कि सेफ चॉइस रहेगी। और आप यहां से, मैं ये दुबे के साथ जाना चाहूँगा, पर आप यहां से पी शुक्ला को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। पी शुक्ला, ये दुबे और डब्ल्यू बोसोप जो कि काफ़ी अच्छी चॉइसेस है वाइस कैप्टनसी के लिए। इसकी फाइनल टीम हमारे प्राइम चैनल पे आएगी, इसलिए आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या मैं ओपन देने की कोशिश करूँगा इस, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा जो कि है पांडियन रॉकिंग टीम्स के नाम से। आप सर्च कर सकते हैं RUC1234 और हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। और देखिए गाइज, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में अपना नाम लिखिएगा और बताइएगा कि हमारी वीडियो में क्या गलती है, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो हमारे लिए ये जानना अच्छा रहेगा कि कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके लिए आगे काफ़ी गिव अवे होने वाली हैं इस चैनल पे, जिसमें आईफोन जैसे इनाम भी रखे जाएंगे। थैंक यू।